कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान छात्रों की पढ़ाई जारी रखने हेतु हिमाचल सरकार ने अनूठी पहल की है। इस पहल में राज्य के विश्व माध्यमिक पाठशाला डूहुक में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई शुरू करवा दी गई। इस कार्य हेतु कक्षा प्रभारी द्वारा सभी कक्षाओं के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए। जिन बच्चों का दाखिला छठी कक्षा में होना है उनके परिजनों से फोन के माध्यम से संपर्क करके उनका भी एक ग्रुप भाषा अध्यापिका लता देवी द्वारा बनाया गया। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का ग्रुप पूजा शर्मा द्वारा बनाया गया। कक्षा 12 के विद्यार्थियों का ग्रुप राजन सूद द्वारा बनाया गया और सभी विषय के प्राध्यापकों को भी उसमें जोड़ा गया है। जब तक कोविड-19 महामारी का प्रकोप खत्म ना हो जाए तब तक विद्यार्थियों के समय का सदुपयोग हेतु हर रोज कार्य भी ऑनलाइन दिया जाएगा तथा इसी माध्यम से चेक भी किया जाएगा। प्रधानाचार्य संजीव जम्वाल द्वारा सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा हेतु केंद्र सरकार की साइट दीक्षा का लिंक साझा किया गया है। नमस्कार, आज हमने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डूक में बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, हर क्लास के लिए क्लास इंचार्ज की ड्यूटी लगाई थी तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की, सभी बच्चों को लगभग हमने 100 बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास वाइज डिफरेंट ग्रुप्स हमने बनाए और उनको जो भी हमारे पास ई कंटेंट है वो हम उनको शेयर करेंगे। क्लास वाइज हर टीचर की ड्यूटी लगाई है कि वो सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज उनको ई कंटेंट वहां पे उपलब्ध करवाए और व्हाट्सएप के ऊपर ही हम उनके पेरेंट्स से भी बच्चों के पेरेंट्स से भी उनको भी प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। और धन्यवाद है हमारी सरकार का जिन्होंने ये कोविड-19 महामारी के चलते हुए जो हमारे स्कूलों में मुश्किल आई वो समय हमारा सदुपयोग हो जाए उसके लिए हमारा समय 10 से 12 वाला घर घर पाठशाला घर घर बने पाठशाला इस स्कीम को चलाया। इस स्कीम के तहत हमने इसकी शुरुआत आज कर दी है। आज सभी बच्चों को हमने दीक्षा ऑनलाइन कंटेंट उसका लिंक हमने शेयर किया और बच्चों को कहा कि उस पे उनको कंटेंट मिल जाएगा और बाकी कंटेंट जैसे जैसे हमें समग्र शिक्षा अभियान से मिलता रहेगा हम बच्चों को आगे उस कंटेंट को देते रहेंगे और उनका होमवर्क भी हम चेक करते रहेंगे। और इस महामारी के चलते हुए हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि घर बैठे हैं तभी अपने समय बर्बाद ना करें, इस समय घर पे रहें, सुरक्षित रहें और समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद।